हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जो शर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये शर्ट मैंने बनाई है अपने बचे हुए पीसेस में से। और ये देखें, देख सकते हैं आप लोग, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत इसका नेक लग रहा है। और इसका नेक के ऊपर पीस अलग से मैंने लगाया है, और इसके ऊपर ये पीस बाजू की कटिंग बची हुई थी तो मैंने ऊपर रख के और ऊपर रेस्ट रख के लगा दी। और प्लेट्स डाली हैं, ये आप देख सकते हैं, एक बड़ी प्लेट डाली, एक छोटी प्लेट डाली है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से। और फ्रंट से कमीज़ बनाई है और बैक से फ्रॉक बनाई है। जो शलवार की कटिंग बची थी तो वो मैंने बैक पे लगाई, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ साथ ही साथ। और इसका गला देखिए, बहुत ही खूबसूरत गला, ये देखिए गले के ऊपर इसी तरह मगजी निकाल के और मैंने वो लगाई हैं, प्लेट्स वगैरह डाली हैं बैक पे भी और फ्रंट पे भी प्लेट डाली हैं। बैक पे तीन तीन प्लेटें डाली हैं, तो बहुत छोटी छोटी प्लेटें हैं। और ये देखिए सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये, इसकी छः कलियाँ बची थी, शलवार में से चार कलियाँ बची थी और मैंने दो शलवारें सिलाई की थी, उसमें से छः कलियाँ बची थी जो कि मैंने इसमें डाल दी, और जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं। ये देखिए लैस वगैरह अटैच की है साथ, और साथ कटवर्क करवाया था, इसके नीचे ये कपड़ा लगा हुआ था वो मैंने कटवर्क करवाया था काविया के साथ, और बाजू में इसी तरह लैस लगा दी जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। इसी तरह दूसरा ड्रेस मैंने ये तैयार किया रोमपर अपने बेबी का, जो कि मेरी बेटी 7 साल की है, और 7 साल की बेटी के लिए मैंने ये रोमपर तैयार किया था जो कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और ये अटैच है बिल्कुल, मैंने एक साथ इसकी कटिंग की थी, कभी आपको कटिंग भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह हो सका तो। और ये बैक पे इसको बटन लगाए हैं, काज करवा के और बटन लगाए हैं, और इसे तरह लास्टिक डाल के, और ये पहनने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलिए, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।